नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए, हमने बनाई है सिर्फ चीनी और नारियल से, हमारी नारियल की लड्डू सिर्फ दो चीज़ों से आप बना सकते हो। आइए देख लेते हैं आज की हमारी छोटी सी वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो हमने देखिए कच्चे नारियल को देखिए तोड़ दिए, तो इसको हम अब ग्रेटेड कर लेंगे। चाहे तो आप इसको छोटे छोटे काट के कद्दूकस कर लीजिएगा या फिर मिक्सी में चला लीजिएगा। तो हम इसको ग्रेटेड कर लेंगे और देखिए, और इसको हम ग्रेटेड करने स्टार्ट कर दिए, और ऐसे करने में बहुत आसानी से ये ग्रेटेड हो जाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है इसको करने में, बहुत आसान है। और ये सिर्फ चीनी और नारियल से आप बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे ग्रेटेड हो चुके हैं हमारी नारियल। अब हम इसके लिए सारे सामान रेडी करेंगे। तो हमने ले लिए आधा कटोरी चीनी और दो इलायची, और हमारी नारियल जो हमने ग्रेटेड की है ये एक कटोरी के आसपास होंगे। तो एक कटोरी नारियल में आधा कटोरी चीनी आप डाल सकते हो, और मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो हमने कढ़ाई में रख दिया नारियल और चीनी। तो चीनी हमने 1 से 1.5 चम्मच बचा लिए, क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा लग रहे थे इसलिए। और इसमें हमने डाल दिए इलायची, हरी इलायची छोटी वाली। तो अब सारे चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई को हमने रख दिए, और इसको लगातार चलानी है, और गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। तो लगातार चलानी है, चलाते चलाते हमारी चीनी जब पिघलने लगेंगे तो इसकी कलर भी थोड़ा चेंज होंगे, और इसको लगातार चलानी है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको। जिसको बिल्कुल भी नहीं बनाना आता है नारियल की लड्डू, वो बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। सिर्फ चीनी और नारियल से आप बना सकते हैं इसको। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। हमारी छोटा सा मैंने एक नारियल की गोला बना लिए, तो हमारी नारियल की लड्डू अब ये बन जाएंगे। तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिए, और इसको थाली में हमने रख देंगे, और हल्का सा ठंडा कर लेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे, और इसका हम लड्डू बना लेंगे। इस टाइम हमारी ये जो डो है बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, इसलिए थोड़ा संभाल के करना है, वरना आपकी हाथ जो है जल सकते हैं। बहुत संभाल के करना है। हल्का सा जब ठंडा हो जाएंगे इसका हम लड्डू बना लेंगे, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेंगे। तो देखिए, ऐसे करके दबा दबा के थोड़ा सा दबानी है, और एक शेप देनी है। चाहे तो आप कैसे भी शेप दे सकती हो, लंबे दे सकते हो या गोल। तो देखिए, हमने गोल गोल लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिए, और इसको बंगाली में नारियल संदेश भी कहते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और इस टाइम इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी, और बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में बन जाते हैं, और बहुत कम सामानों से। तो देखिए दोस्तों, हमारी लड्डू जो है बन के रेडी है, और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा किशमिश रख दिए, डेकोरेट कर लिए, देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने घर में बनाइए, खाइए, और अपनी अनुभव हमारे संग शेयर ज़रूर करिएगा। आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए देखने में कितना सुंदर और कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा। तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय।